दरअसल गैंगरेप में फंसे पूर्व विधायक मेवा राम जैन को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार रात 12 बजे इसका आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेवा राम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया। पूर्व विधायक का महिला के साथ 5 जनवरी को भी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर हुआ था। दरअसल मेवा राम के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसम्बर 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि जब मेवा राम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी, बल्कि मेवा राम ने मामला दर्ज करवाकर पीड़िता को सेक्स टॉर्शन से गिरफ्तार करवा दिया था। अब पिछले 2 दिनों से कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जो बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवा राम के बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने मेवा राम को निलंबित कर दिया है। पीड़ित ने मेवा राम सहित 9 लोगों के खिलाफ जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में SC/ST गैंगरेप पॉक्सो एक्ट सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। साल 2022 में भी इस वीडियो से जुड़े 3 स्क्रीनशॉट सामने आए थे। उसके बाद 30 अक्टूबर 2022 को बाड़मेर कोतवाली थाना में पीड़िता के खिलाफ सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करवाया गया था।